दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में विस्की कैसे बनती है। दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रॉयल स्टेग विस्की मेकिंग। दोस्तों इंडियन विस्की रॉयल स्टेग को 1995 में लॉन्च किया गया था। वैसे इंडिया में इसे वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसे बनाने के लिए माल्ट, वीट, कॉर्न, जौ और बहुत से इंग्रेडिएंट्स को लेकर डाला जाता है। आपको जिस भी कलर का फ्लेवर चाहिए उसी हिसाब से इन इंग्रेडिएंट्स या ग्रेन को डाला जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को फैक्ट्री में लाया जाता है और इंडियन विस्की बनाने का पहला स्टेप शुरू हो जाता है। फिर इन ग्रेन को एक कंटेनर में लिमिटेड वाटर के साथ रख दिया जाता है, जहां 12 घंटे के अंदर ये अनाज सारा पानी सोख लेता है, जिसके बाद इसे 6 दिन के लिए सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसको एक कमरे में रखा जाता है जो एक भट्टी से अटैच रहे, जिससे ये अनाज कड़ा हो जाता है। पीसने के बाद इस अनाज को फर्मेंटेशन के लिए भेजा जाता है, जहां इन्हें एक कंटेनर में गुड़ या चीनी के पानी में रखा जाता है। 12 घंटे के बाद यह प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब यहाँ इंडियन विस्की ब्रांड में इतना फर्क होता है कि अगर किसी विस्की ब्रांड के पीछे स्कॉच लावा लिखा होता है तो उस विस्की को मिनिमम 3 साल के लिए बियर हाउस में रख दिया जाता है, और अगर उसके पीछे स्कॉच नहीं लिखा होता है तो उस विस्की को डायरेक्ट बोतल में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो है ना ये कमाल की वीडियो। दोस्तों आपको बता दें कि रॉयल स्टैग वह विस्की है जिसको मिनिमम 3 साल के लिए बियर हाउस में रख दिया जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे रखा गया है, देखिए। और 3 साल के बाद इसकी पैकिंग की जाती है, जो कि इस प्रकार होती है। सबसे पहले पैकिंग किया जाता है, फिर लेबल लगाया जाता है, और सबसे लास्ट में इसको डब्बे में भरकर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। उटका मेकिंग। दोस्तों बहुत लोगों को उटका पीना पसंद है, जो कि एक तरह का अल्कोहल होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसे बनाते कैसे हैं? दोस्तों इस खास टाइप के उटका को बनाने की शुरुआत आलूओं से की जाती है। ढेर सारे आलूओं को एक मशीन में डाला जाता है, जहाँ उन्हें धोकर आलूओं के छिलके को हटाया जाता है। फिर एक पाइप से दूसरे मशीन में भेजते हैं, जहां आलूओं को पानी के साथ ग्राइंड करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इस लिक्विड को 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल किया जाता है, जिससे निकलने वाले वेपर को दूसरे टैंक में कंडेंस किया जाता है, जिसे डिस्टिलेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। फिर इसे लिक्विड को फिल्टर किया जाता है और फिलिंग के लिए रेडी कर दिया जाता है, जहाँ एक मशीन बोतल में उटका को भरने का काम करती है और आगे उटका को मार्केट में लाया जाता है या फिर बेचा जाता है। दोस्तों बस आपको एक कमेंट करना है। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पर एक लाइक कर दीजिएगा।